वेलकम बैक टू माई चैनल फैशन टिप्स। व्यूवर्स, फैशन टिप्स में मैं आज आपके लिए शावर जेल बनाने जा रही हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरी बड़ी ही प्यारी एक सब्सक्राइबर ने काफी देर से इसकी रिक्वेस्ट की थी, तो आज मैं उसकी रिक्वेस्ट के मुताबिक ये जो वीडियो है बनाने जा रही हूँ। आज मैं आपके लिए शावर जेल जो बनाने जा रही हूँ, तो व्यूवर्स देखते हैं कि शावर जेल को मैं किस तरीके से तैयार करती हूँ। सबसे पहले आपने एक पैन में 2 ग्लास पानी को ऐड करना है। फ्लैक्स सीड 4 टेबलस्पून मैंने इसमें फ्लैक्स सीड जो है वो ऐड करने हैं। 4 टेबलस्पून मैंने फ्लैक्स सीड को ऐड कर लिया। अब मैं इसको हल्की आंच पे इसको बॉइल करूंगी ताकि इसकी जितनी भी जेल है वो बाहर आ जाए। 4 से 5 मिनट तक मैं इसको कुक करूंगी ताकि सारी जेल जो है इसकी बाहर आ जाए। शावर जेल में आप कोई भी सोप जो है ऐड कर सकते हैं। इधर मैं पियर सोप को ऐड करने लगी हूँ, लेकिन आप घर में कोई भी सोप है तो उसको ऐड कर सकते हैं। हाफ पियर सोप मैंने ग्रेट कर लिया है। 5 मिनट कुक करने के बाद मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर मैं इसको स्टेन कर लूंगी, लेकिन आपने इसको बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना। इसको जब ये लाइट गर्म ही होगा तो आपने इसको स्टेन कर लेना है। अगर ये ज्यादा ठंडा हो गया तो इसकी जेल जो है वो बड़ी मुश्किल से स्टेन होगी, इसीलिए हम इसको लाइट गर्म ही स्टेन करेंगे। ये अभी गर्म है तो इसके बीच में मैंने ये जो पियर सोप है इसको डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आपने सोप को गर्म पानी में ही डालना है, थोड़ा सा गर्म होगा तभी ही ये अच्छे तरीके से इसके बीच में मेल्ट हो जाएगा। अगर पानी ज़्यादा ठंडा हो जाए तो आपने इसको लाइट सा गर्म कर लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना ताकि ये हमारा जो सोप है ये सारे इसके बीच में मिक्स हो जाए। ये फ्लैक्स सीड की जो जेल है ये आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट और स्मूथ करेगी। ये सिंपल मैंने शावर जेल बनाई है। आप इसके बीच में नीम के पत्तों का एक्सट्रैक्ट भी डाल सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं शावर जेल है वो बन सकती है, लेकिन अभी मैं आपको सिंपल ही बता रही हूँ कि सिंपल को शावर जेल को किस तरीके से बनाया जाता है। वन टेबलस्पून आपने इसके बीच में एलोवेरा जेल को ऐड करना है। वन टेबलस्पून मैंने इसमें हनी ऐड करनी है। थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड करना है ताकि ये एक खूबसूरत सा कलर इसमें आ जाए। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसमें नहीं फूड कलर ऐड करना चाहते तो ये आपकी अपनी मर्जी है। अब हमने इस सारे मटेरियल को बड़े अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और ये हमारी शावर जेल जो है रेडी हो गई है। इसको एक बॉटल में मैं डाल लूंगी। अब व्यूवर्स, जैसे जैसे ये जेल ठंडी होती जाएगी ये जमती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे ये जमती जाएगी मैं इसको इसके बीच में स्पैचुला को डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती जाऊंगी ताकि ये एक लिक्विड फॉर्म में ही रहे। तो जैसे जैसे ये जमेगी हमने इसको इसके बीच इसको मिक्स करते जाना है। व्यूवर, ये जितनी जेल मैंने बनाई है आप इसको रूम टेम्परेचर में रख के यूज कर सकते हैं। आप इसको रूम टेम्परेचर में 1 वीक के लिए रख के यूज कर सकते हैं। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।